नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में बीती रात इलाज कराने आई एक लड़की की आबरू लूटने का प्रयास का मामला सामने आया है। ये प्रयास इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत एक वार्ड बॉय ने किया है, जिसका नाम उग्रसेन सिंह है। उक्त बालिका ने अस्पताल के CMS तथा सदर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर वार्ड बॉय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि मुकदमा लिखे जाने में हीला हवाली की जा रही है। आपको बताते चले कि खेसराहा थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी स्वर्गीय राम नवल सिंह की पुत्री नंदिनी ने बताया कि कल दिन में घरेलू विवाद को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने उसे रात 9:30 बजे जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसे दूसरे वार्ड में भेज दिया गया। रात में ड्यूटी पर तैनात एक वार्ड बॉय नंदिनी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अंत में जबरदस्ती का भी प्रयास किया। यह काम उसने रात में कई बार किया। विफल होने पर वहां से वह चला गया। सुबह पूरा मामला जब उसने अपने परिजनों को बताया तो परिजनों ने सदर थाने में वार्ड बॉय के खिलाफ तहरीर दी, जिसकी जांच सदर पुलिस कर रही है। इस संबंध में CMS का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर वार्ड बॉय को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय पूर्व में भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। रात में भर्ती हुए थे इमरजेंसी में, एक वार्ड बॉय था। क्या नाम था उसका? उग्रसेन सिंह। उसने हमारे साथ छेड़खानी की, चेक करने के बहाने सब लोग हमारे बाहर चले गए थे, हमारे गार्जियन। ऐसे किया। फिर कैसे आप बची? हम चले गए थे गुस्से में, सुबह में कहा हमें यहाँ से निकाल दो। हम बोल नहीं सकते, बोलने की हालत में नहीं थे। फिर घर कैसे गई? हमारे गार्जियन के साथ उसने हमें भेज दिया। हमारे पिताजी क्या नाम? राम नवल सिंह। गाँव कौन सा? गाँव मंझरिया। जिला कौन सा? सिद्धार्थनगर। थाना कौन सा? खेसराहा। इसकी शिकायत आपने कहीं की? ये तो थाने पे किए थे, यहाँ पे जिला अस्पताल में भी किए, लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा। जिला अस्पताल में किसके पास शिकायत की आपने? CMO के पास। CMO ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप इसमें जमा कर दो एप्लीकेशन को। आगे आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं। सर, न्याय चाहिए आपको। आपको न्याय चाहिए? हाँ चाहिए। आरोप है मैम कि वो 4 तारीख को यहाँ भर्ती हुई थी। उसके बाद उसके घर वालों को बाहर करके उसके साथ किसी आपके स्टाफ के वार्ड बॉय ने छेड़खानी किया था। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे पास अभी उसका कंप्लेंट जस्ट जब आकांक्षा समिति की अध्यक्ष बैठी थी तभी मेरे पास वो लेके आई है। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, मैं जानकारी लेने के लिए कहा उसको कंप्लेंट अपना जो है कार्यालय में जमा करो, फिर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मैम, उस उक्त व्यक्ति के खिलाफ एक मरतबा ऐसा ही मामला आया था। जी जी। फिर उस मामले में लीपापोती कर दी गई थी और फिर मामला दूसरे मरतबा हो गया। आपका क्या कहना है भाई? अगर इस तरह की, मैं एक महिला हूँ और मैं महिला होने के नाते उस पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देती हूँ, और अगर उस दोषी होगा तो सस्पेंड भी होगा और उसके। Thank you.